वेलकम टू स्वादिष्ट किचन विद रिंकी। आज हम बनाएंगे पोटैटो चिप्स। आप इसे स्नैक्स के हिसाब से या खाने के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बनाया जाता है, तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 2 मीडियम साइज़ आलू। अब इसका हम छिलका निकाल लेंगे। छिलका निकालने के बाद आलू को हमें ग्रेट करना है। ग्रेटर का जो बड़े वाले छेद है उससे हम आलू को ग्रेट करेंगे। आलू को ग्रेट करते वक्त थोड़ा सा सावधानी रखेंगे, क्योंकि कभी कभी इसके वजह से हाथ छिल जाते हैं। 2 आलू से बहुत सारे चिप्स आपका बन जाएगा। अब आलू को हमें पानी में डाल देना है और इसे कम से कम 3 से 4 बार अच्छी तरह से धोएंगे। आलू में जितना भी माड़ होता है उसे हमें अच्छी तरीके से निकाल देना है। और पानी को ड्रेन करने के बाद आलू को हमें एक किचन टावल में फैला देना है। एक सूखे टावल में आलू को हम इस तरह से फैला देंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी सूख जाए। अब टावल को हर तरफ से आलू में इस तरह से ढक देंगे और इसे कम से कम 10-15 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे। 10-15 मिनट के बाद आलू को हम किचन टावल से निकाल लेंगे। इसका एक्स्ट्रा पानी सूख चुका है, अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। अब इसे तुरंत फ्राई करना है वरना इसका कलर चेंज होने लगेगा। और देख लीजिए, आलू बिल्कुल सूख चुका है। इसके साथ हमने 1/4 कप छिलके वाला मूंगफली लिया है और 8-10 करी पत्ते, ये ऑप्शनल है। अब गरम कढ़ाई पे वेजिटेबल ऑयल डालेंगे। आलू को हमें डीप फ्राई करना है इसलिए काफ़ी सारा ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें ग्रेटेड आलू डालेंगे और इस टाइम पर गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। आलू को डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे और 1-2 मिनट के बाद इसे पलटते रहेंगे। आलू हमें क्रंची होने तक फ्राई करना है, पर इसका कलर भी चेंज ना हो, ये ध्यान रखिए। आलू जैसे जैसे फ्राई होता जाएगा ये तेल में इस तरह से तैरने लगेगा। जब सारा आलू ऊपर आ जाए तब हम इसे निकाल लेंगे और ऑयल को पूरी तरीके से झरने देंगे। सारे आलू निकालने के बाद बाकियों को सेम तरह से फ्राई करेंगे। अब गरम तेल में हम मूंगफली डाल देंगे। मीडियम टू लो हीट पे इसे फ्राई करेंगे और लगातार इस तरह से करछी को चलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। मूंगफली धीरे धीरे फूटने लगेगा और इसका कलर हल्का चेंज हो जाएगा, तब इसे हम तेल से निकाल लेंगे। अब गैस को ऑफ करेंगे और तेल में करी पत्ते को इस तरह से छन्नी के ऊपर रख देंगे और इसे हल्का सा तेल में डुबोते हुए फ्राई कर लेंगे। अब इसे निकाल लेंगे। अब एक मिक्सिंग बोल में फ्राई किया हुआ आलू चिप्स को डाल देंगे और इसी के साथ ही फ्राई किया हुआ मूंगफली। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। आप चाहे तो सिर्फ काला नमक डाल के भी इसे सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और इसे हल्के हाथों से मिलाएंगे या थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। आप भी इस चिप्स को घर में ज़रूर ट्राई करें। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और करी पत्ते से गार्निश करेंगे। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।